अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेल इंजरी, कि बेसिकली सेल इंजरी होती क्या है, किस तरह सेल्स की डेथ होती है और किस तरह वो इंजर होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स हमारे आज के हैं, एट द कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट लर्नर्स विल बी एबल टू डिस्कस ट्रॉमा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेल इंजरी, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म्स ऑफ सेल इंजरी दैट इज हाइपोक्सिक, फ्री रेडिकल, केमिकल, फिजिकल, न्यूट्रिशनल, डिस्कस रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी, डिस्कस सेल डेथ इन टर्म्स ऑफ मैकेनिज्म एंड टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस, मैकेनिज्म एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एपोप्टोसिस। सेल इंजरी, सेल इंजरी क्या है? सेल कैन बी डैमेज्ड इन अ नंबर ऑफ वेज इंक्लूडिंग, किस तरह हमारा डैमेज होता है, जिसमें हमारा फिजिकली ट्रोमा आ जाता है, एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से, इलेक्ट्रिकल की वजह से, बिजली यानी कि जो करंट वगैरह लग जाए, इंजरी की वजह से कोई हमें एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, एक्सपोजर टू डैमेजिंग केमिकल्स जिस तरह के एसिड वगैरह हो गए या तेज़ाब, रेडिएशन डैमेज, रेडिएशन थेरेपी के दौरान अगर सेल डैमेज हो जाए, इंजरी फ्रॉम बायोलॉजिक एजेंट्स एंड न्यूट्रिशनल फैक्टर्स की वजह से भी, यानी कि उनको खुराक सही अगर नहीं मिल रही होगी तो उसकी वजह से भी वो डेथ हो सकती है, वो इंजर हो सकते हैं। मोस्ट इंजरीज इंजरस एजेंट्स एग्जर्ट देयर डैमेजिंग ऑफ एक्ट्स थ्रू अनकंट्रोल्ड फ्री रेडिकल प्रोडक्शन, इम्पेयर्ड ऑक्सीजन डिलीवरी और यूटिलाइजेशन, और द डिस्ट्रक्टिव ऑफ एक्ट्स ऑफ अनकंट्रोल्ड इंट्रासेलुलर कैल्शियम रिलीज। सेल इंजरी कैन बी रिवर्सिबल अलाउिंग द सेल टू रिकवर, और इट कैन बी इरिवर्सिबल कॉजिंग सेल डेथ एंड नेक्रोसिस। इनकी कोई सेल इंजरी के दो इंजरी होने के बाद दो पॉसिबिलिटी हमारे पास होती है, तो वो रिवर्सिबल हो जाएगा यानी कि वो खुद ही हील हो जाएगा, जो उसको इंजरी हुई होगी वो ठीक हो जाएगा, और दूसरा है इरिवर्सिबल यानी कि वो दोबारा ठीक नहीं हो पाएगा, वो डेथ हो जाएगी सेल की या नेक्रोसिस हो जाएगी। नेक्रोसिस क्या? रिजल्ट फ्रॉम टिश्यू इंजरी। टिश्यू इंजरी की वजह से क्या होगा कि अगर एक्सीडेंट हुआ तो टिश्यू इंजरी की वजह से नेक्रोसिस हो जाएगा, सेल डेथ हो जाएगी या टिश्यू इंजरी हो जाएगी। एपोप्टोसिस इज़ अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस डिजाइन टू रिमूव इंजर्ड और वर्न आउट सेल्स। यानी कि एपोप्टोसिस एक प्रोग्राम सेल्फ डेथ होती है, यानी कि हमारे अंदर जो सेल्स हैं उनकी एक लिमिट होती है, यानी कि कब तक वो रहेंगे, उसके बाद उनको ख़त्म कर दिया जाता है। कॉजेज ऑफ सेल इंजरी हमारे पास फाइव हैं। इंजरी फ्रॉम फिजिकल एजेंट्स, फिजिकल एजेंट्स वो हमें छुरी वगैरह इधर लग गई तो फिर रेडिएशन इंजरी होगा, रेडिएशन थेरेपी वगैरह करो, या केमिकल इंजरी की वजह से, इंजरी फ्रॉम बायोलॉजिकल एजेंट्स, इंजरी फ्रॉम न्यूट्रिशनल इम्बेलेंसेस, इंजरी और ट्रॉमा। कॉज बाय मैकेनिकल फोर्सेज ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ बॉडी इम्पैक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट्स। किससे होगा कि हम लोग जब बॉडी होगी वो किसी और ऑब्जेक्ट के साथ टकराएगी, द बॉडी और द प्रोजेक्ट कैन बी इन मोशन, और एज समटाइम्स हैपन बोथ कैन बी इन मोशन एट द टाइम ऑफ इम्पैक्ट। या तो बॉडी मोशन में होगी या दोनों ही मोशन में होंगे जब वो एक दूसरे से टकरा रहे हों। दिस टाइप ऑफ इंजरीज स्प्लिट एंड टेयर टिश्यूज, फ्रैक्चर बोन्स, इंजर्ड ब्लड वेसल्स एंड डिस्टर्ब ब्लड फ्लो। कि जिस तरह के एग्जाम्पल तौर पर आप एक जगह किसी ने बाइक खड़ी की हुई है, उसके ऊपर लड़का बैठा हुआ है, तो वो तो बैठा है, उसको गाड़ी आके टक्कर मार के जाएगी, तो एक मोशन में वो और एक मोशन में नहीं है। या तो बाइक वाला भी दूसरी साइड रॉन्ग वे से आ रहा होगा और गाड़ी भी दूसरी साइड से आ रही होगी सही रास्ते से, तो उन दोनों के बीच में जब टक्कर होगी तो दोनों में ही मोशन थे, तो उस वजह से दोनों में क्या हो सकता है कि इंजरीज आ सकती है, टिश्यू इंजरी आ सकती है, फ्रैक्चर ऑफ बोन आ सकता है, या इंजर ब्लड वेसल्स आ गया, या डिस्टर्ब ब्लड फ्लो इसकी वजह से, एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, जिसकी वजह से ट्रॉमा होगा। सही। इंजरी फ्रॉम फिजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल एंड टिश्यू इंजरी इंक्लूड मैकेनिकल फोर्सेस, एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। दीज आर कॉमन कॉजेज ऑफ इंजरीज ड्यू टू एनवायरमेंट एक्सपोजर, ऑक्यूपेशनल एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट्स एंड फिजिकल वायलेंस एंड असल्ट। सेकेंड हमारे पास है रेडिएशन इंजरी। इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिएशन कॉम्प्राइजेज अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ वेव प्रोपागेटेड एनर्जी रेंजिंग फ्रॉम आयोनाइजिंग गामा रेस टू रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स। अ फोटोन इज अ पार्टिकल ऑफ रेडिएशन एनर्जी। कोई अगर रेडिएशन एनर्जी की वजह से
कोई टिश्यू इंजरी हो जाए तो उसको रेडिएशन इंजरी कहा जाता है कि रेडिएशन की वजह से इसको इंजरी हो गई है। रेडिएशन एनर्जी अबव द अल्ट्रा वायोलेट रेंज इज कॉल्ड आयोनाइजिंग रेडिएशन बिकॉज द फोटोन हैव एनफ एनर्जी टू नॉक इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन रेफर टू रेडिएशन एनर्जी एट फ्रीक्वेंसी बिलो ऑफ विजिबल लाइट। सही, इनकी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन वो होंगी जो कि विजिबल लाइट से बिलो होंगी, और विजिबल अल्ट्रा वायलेट लाइट से जो के अबव द अल्ट्रा वायलेट से अगर अबव होंगी, अबव रेंजेस उनकी होगी तो आयोनाइजिंग रेडिएशन कहा जाएगा। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन रिप्रेजेंट्स द पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जस्ट अबव द विजिबल रेंज। इट कंटेन्स इंक्रीजिंगली एनर्जेटिक रेज दैट आर पावरफुल एनफ टू डिस्टर्ब इंट्रा सेलुलर बॉन्ड्स एंड कॉज सनबर्न। केमिकल इंजरी, केमिकल्स कैपेबल ऑफ डैमेजिंग सेल्स आर एवरीवेयर अराउंड अस। एयर एंड वाटर पोल्यूशन कंटेन केमिकल कैपेबल ऑफ टिश्यू इंजरी एज डू टोबैको स्मोक एंड स्मोक प्रोसीड और प्रिजर्व फूड्स। सम ऑफ द मोस्ट डैमेजिंग केमिकल्स एग्जिस्ट इन एन एनवायरमेंट इंक्लूडिंग गैसेज सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड, इंसेक्टिसाइड्स एंड ट्रेस मेटल्स सच एज लीड। ड्रग्स, मैनी ड्रग्स, अल्कोहल, परसेप्शन ड्रग्स, ओवर द काउंटर ड्रग्स एंड द स्ट्रीट ड्रग्स आर कैपेबल ऑफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डैमेजिंग टिश्यूज़। बेसिकली केमिकल इंजरी के क्या किसकी वजह से, जो केमिकल से, जिस तरह सिगरेट पीने की वजह से, या कोई प्रोलॉन्ग जो प्रिजर्व फूड किया होगा, जो कोई खाने फूड को स्टोर किया होगा ज़्यादा समय तक, या कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, या अल्कोहल की वजह से, या प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की वजह से, या ओवर द काउंटर ड्रग्स की वजह से, इन सब में क्या केमिकल्स हैं, केमिकल से जो इंजरी होती है। फोर, हमारे पास इंजरी फ्रॉम बायोलॉजिकल एजेंट्स रेप्लिकेट एंड कैन कंटिन्यू टू प्रोड्यूस देयर इंजरीज अफेक्ट्स वायरसेस एंटर द सेल एंड बिकम इनकॉर्पोरेटेड इनटू इट्स डीएनए सिंथेटिक मशीनरी। सर्टेन बैक्टीरिया एलेबोरेट एक्सोटॉक्सिन्स दैट इंटरफेयर विद सेलुलर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अदर बैक्टीरिया सच एज द ग्राम नेगेटिव बैसिलाई रिलीज एंडोटॉक्सिन्स दैट कॉज सेल इंजरी एंड इंक्रीज कैपिलरी परमीबिलिटी। सो ये सेल इंजरी कॉज करता है और जो कि परमीबिलिटी होती है कैपिलरीज की, वो बढ़ा देता है। फाइव, हमारे पास इंजरी फ्रॉम न्यूट्रिशनल इम्बेलेंसेस ओबेसिटी एंड डाइट्स हाई इन सैचुरेटेड फैट्स आर थॉट टू प्रेडिस्पोज पर्सन्स टू एथेरोस्क्लेरोसिस। द बॉडी रिक्वायर्स मोर देन 60 ऑर्गेनिक एंड और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इन अमाउंट रैंकिंग फ्रॉम माइक्रोग्राम्स टू ग्राम्स। दीज न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड मिनरल्स, विटामिन्स, सर्टेन फैटी एसिड्स एंड स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स। यानी कि हमारी बॉडी को 60 ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं, जो कि हमारे किसका जिसमें हमारे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं, विटामिन्स आते हैं, सर्टेन फैटी एसिड और स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स आते हैं। डाइटरी डेफिशिएंसीज कैन ऑकर इन द फॉर्म ऑफ स्टारवेशन इन विच देर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट एंड विटामिन और बिकॉज ऑफ अ सेलेक्टेड डेफिशिएंसी ऑफ अ सिंगल न्यूट्रिशन और विटामिन। जी किसकी वजह से होता है हमें न्यूट्रिशन, वैसे कि स्टारवेशन की वजह से, भूख की वजह से, क्या हम लोग कुछ खा नहीं हो रहा, हमारा पेट खाली हो, तो उसके आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, स्कर्वी, बेरी बेरी एंड पेलेग्रा आर एग्जांपल्स ऑफ इंजरी कॉज बाय द लैक ऑफ स्पेसिफिक विटामिन और मिनरल्स। कि अगर हमारे अंदर अगर न्यूट्रिशन की कमी होगी तो हमारे अंदर जो स्पेसिफिक विटामिन या मिनरल्स हैं वो अगर हमारे अंदर कम हो जाएंगे तो हमें आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया हो सकता है, स्कर्वी हो सकता है, बेरी बेरी हो सकता है एंड पेलेग्रा। सही है, द प्रोटीन एंड कैलोरी डिफिशियंसी दैट अकर विद द सही जो कि इसके अंदर होती हैं। अदर कॉजेज ऑफ सेल इंजरी क्या होते हैं, जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं, हीमोग्लोबिन एस इन एस एस डिजीज, इन बोन एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, एजिंग इंक्लूडिंग डिजरेशन एज अ रिजल्ट ऑफ रिपीटेड ट्रोमाज एंड इंट्रेंसिक सेलुलर सेंस सीन्स। मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरीज,
There are three major mechanisms whereby most injuries agent exert their of their effects: free radical formation, hypoxic and ATP depletion, and disruption of intracellular calcium homeostasis. ये तीन हैं कि mechanism of cell injuries है. Free radical formation. Many injuries agents exert their damaging effect through a reactive chemical species called a free radical. A free radical is a highly reactive chemical species arising from an atom that has a single unpaired electron in an outer shell. Ke single electron hoga unke outer shell mein. Ye ke free radical hai. Unpaired electron and generation of free radical. Uncontrolled free radical production causes damage to cell membrane. Cell membrane को damage कहते हैं. Cross linking of cell proteins. Cross linking करवाता है cell proteins की. Inactivation of enzyme system or damage to the न्यूक्लिक एसिड्स दैट मेकअप डी एन ए. या तो न्यूक्लिक एसिड को डैमेज कहता है जो कि डी एन ए बना रहा होता है, या एंजाइम की जो एक्टिव इन एक्टिविटी उनको कम कर इनएक्टिव एंजाइम को इनएक्टिव कर देता है. हाइपोक्सिक सेल इंजरी. हाइपोक्सिक सेल इंजरी क्या है? वेल डिफ्रेंशिएटेड सेल्स सच एज दोज इन द हार्ट, ब्रेन एंड किडनी रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर द स्पेशल फंक्शन. बेसिकली ये है क्या कि ये जो हमारे डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं जैसे हार्ट, ब्रेन और किडनी, इनको ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी ऑक्सीजन से ऑक्सीजन के ज़रिए उसको मिलती है एनर्जी. फॉर एग्जांपल ब्रेन सेल्स बिगेन टू अंडरगो परमानेंट डैमेज आफ्टर 4 to 6 मिनट ऑफ ऑक्सीजन डिप्रिवेशन. अगर 4 से 6 मिनट के लिए हम लोग ऑक्सीजन सांस बंद कर दें तो उसकी वजह से हमारे ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाते हैं अगर उनको 4 से 6 मिनट में ऑक्सीजन नहीं मिली. अगर A thin margin can exist between the time involved in reversible and irreversible cell damage. Hypoxia can result from an inadequate amount of oxygen in the air. Respiratory disease, ischemia, example decreased blood flow caused by circulatory disorders, anemia, edema, or inability of the cells to use oxygen. Ischemia is characterized by impaired oxygen delivery and impaired removal of metabolic end products such as lactic acid hypoxia. A power failure in the cell. कि जो power failure हो जाता है cell के अंदर. Impaired calcium homeostasis. Calcium functions as a messenger for the release of many intracellular enzymes. Normally intracellular calcium levels are extremely low compared with extracellular levels maintained by energy dependent membrane associated calcium magnesium ATP's exchange system. Ischemia and certain toxins lead to increased calcium influx across the cell membrane and the release of calcium stored in the mitochondria and endoplasmic reticulum. The increased calcium level activates a number of enzymes which potentially damaging effect. कि कैल्शियम होमियोस्टेसिस या कैल्शियम की अमाउंट अगर कम हो जाती है तो उसकी वजह से ही हो सकता है. इसे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज साइटोस्टोलिक कैल्शियम लेवल और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे एटीपी जो डिक्रीज एटीपी हो गया. फॉस्फोलाइपेज क्या हो गया? डिक्रीज फॉस्फोलाइपेज हो गया. और जो प्रोटीज है डिस्ट्रप्टिंग ऑफ मेम्ब्रेन एंड साइटोस्केलेटल प्रोटीन और एंडो न्यूक्लियस और न्यूक्लियर क्रोमेटिन डैमेज हो जाएगी. रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी बोलते तो रिवर्सिबल सेल इंजरी, सेल रिकवरी एंड रिटर्न टू नॉर्मल फंक्शन. एपोप्टोसिस एंड प्रोग्राम सेल डेथ भी इसको कहा जाता है, या सेल डेथ एंड नेक्रोसिस. रिवर्सिबल सेल इंजरी एंड सेल डेथ. एटीपी एक्टिविटी ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम पंप
जिसकी वजह से सोडियम इन द सेल्स बढ़ जाता है, वाटर इन द सेल ऑस्मोसिस के थ्रू बढ़ जाता है और सेलुलर स्वेलिंग हो जाती है। ये रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी। सेल डेथ, सेल डेथ कैन इन्वॉल्व एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस सेल डेथ इन्वॉल्व्स कंट्रोल सेल डेथ, सेल डिस्ट्रक्शन एंड इज इन्वॉल्व इन नॉर्मल सेल डिलीशन एंड रिन्यूअल। फॉर एग्जाम्पल ब्लड सेल्स दैट अंडरगो कॉन्स्टेंट रिन्यूअल फ्रॉम प्रोजिनेटर सेल्स इन द बोन मैरो आर रिमूव्ड बाय एपोप्टिक सेल डेथ। या नेक्रोटिक सेल डेथ इज़ अ पैथोलॉजिक फॉर्म ऑफ सेल डेथ रिजल्टिंग फ्रॉम सेल इंजरी। इट इज़ करेक्टराइज बाय सेल स्वेलिंग, रप्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड इन्फ्लेमेशन। एपोप्टोटिक क्या है? बेसिकली एक प्रोग्राम सेल डेथ होती है जिस वजह से हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड जो RBCs हैं, उनकी 120 डेज लाइफ होती है, उसके बाद उनको ख़त्म करना होता है क्योंकि वो उनकी जगह न्यू सेल को लाना होता है। और नेक्रोटिक क्या है कि कोई अगर हमारे पैथोलॉजी के कॉज की वजह से सेल जो हमारे वो डेथ कर जाए या इंजरी हो जाए या एक्सीडेंट हमारा हो जाए तो उसको नेक्रोटिक सेल डेथ कहा जाएगा। सही है। हेल्दी सेल और नेक्रोसिस में क्या इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम, लॉस ऑफ प्लाज्मा इंटीग्रिटी और लीकेज ऑफ सेलुलर कॉन्टेंट्स। किस में होगा? नेक्रोसिस में। और एपोप्टोसिस में क्या होगा? सेल श्रिंकेज हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्लैबिंग होगा और फॉर्मेशन ऑफ एपोप्टोटिक बॉडीज होगा। इसमें आप नेक्रोसिस का देखें, ऑलवेज पैथोलॉजिकल इसका कोई कॉज होता है कि कोई आके इसको ख़राब करता है। सेल इनलार्जमेंट होता है, लॉस ऑफ मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी होती है, लीकेज ऑफ कॉन्टेंट होता है, फिर इन्फ्लेमेशन होती है और न्यूक्लियर डिजेनरेशन हो जाती है। फिर एपोप्टोसिस के अंदर जो प्रोग्राम सेल डेथ होती है, एलिमिनेशन ऑफ अनवांटेड सेल्स, प्रोग्राम सेल डेथ यानी जिनकी सेल की हमें ज़रूरत नहीं है उनको रीन्यू करना है या नए सेल लेके आने हैं उनकी जगह। सेल श्रिंक होने लग जाता है, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन होने लगती है, एपोप्टोटिक बॉडीज बन जाती हैं और फिर फैगोसाइटोसिस ऑफ एपोप्टोटिक बॉडीज को यानी कि फैगोसाइट खा लेती हैं, नो इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन फिर नहीं होती। इरिवर्सिबल सेल इंजरी, जिस तरह आप डायग्राम में देख सकते हैं, एपोप्टोटिक सेल रिमूवल, श्रिंकिंग ऑफ द सेल स्ट्रक्चर बी एंड सी, कंडेंसेशन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियर क्रोमेटिन डी एंड ई, सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियर फ्रेगमेंट्स एंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल इनटू एपोप्टोटिक बॉडीज एंड एफ, इंगल्फ ऑफ एपोप्टोटिक फ्रेगमेंट्स बाय फैगोसाइटिक सेल्स। ये इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है जो कि एपोप्टोटिक में होती है, एपोप्टोसिस में होती है। थैंक यू, होप यू लाइक इट।